हाय, हम मैं प्रशांत सिद्दीकी। सो आज हम बात करते हैं कुछ इनसाइड ऑफ कनाडा के बारे में। मींस सब लोग तो जानते हैं कि कनाडा जाने के लिए हमें कौन से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, पर हम कनाडा जाना क्यों चाहते हैं? हम इसीलिए जाना चाहते हैं ना कि हाँ, हमारा ग्रोथ होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट दीज डेज कनाडा में जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को निकाला जा रहा है, एंड बहुत रेयरेस्ट कोई जॉब जो बहुत हाईली डिमांड है उनमें जॉब्स आपको मिल सकती हैं, जैसे कि आईटी जॉब्स, आईटी रिलेटेड या हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है, या स्पेशल चाइल्ड केयर। सो ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ आप पीआर भी ले लोगे, तो अगर आप पीआर लेना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो, तो आप ये सोच के जाना कि अगर आप खुद कोई काम जनरेट कर पाओ, मतलब अगर आप अपना बिजनेस करोगे वहाँ जाके, तो आपके लिए पीआर बेस्ट है। बट अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि नहीं, मैं जॉब ढूंढूंगा, जॉब के भरोसे जा रहे हो और आपकी बहुत एवरेज प्रोफाइल है, लाइक यहाँ पे पहले आप रिसर्च करो कि कौन सी प्रोफाइल एक्चुअल डिमांड है, उनकी डिमांड लिस्ट मत देखो। जो लोग आपके तो कोई फ्रेंड है कनाडा में, वो आपको खुद बताएंगे कि वहाँ पे जॉब्स का आजकल क्या है। तो प्लीज़ बी अप्लाई अकॉर्डिंग। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा, लिथुआनिया, TRP, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में। तब तक के लिए ठीक है।